हजरत अली करमुल्ला वजह का सरिया फल्स नामी बनी ते के बुत के की तरफ इसलिए भेजा गया कि उसको मुनहदम कर दे। ये सरिया रबीउल आखिर हिजरत के 9 सन में गया और हजरत अली के साथ 150 मर्द अंसारी 100 ऊँटों और 50 घोड़ों पर भेजे गए और इबन साद के नज़दीक है कि वो 200 मर्द भेजे गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिल्स बुत को मुनहदम कर दिया और बर्दे और ऊँट और बकरियां गनीमत में ली। बर्दों में सफाना बिनत हातिम ताई थी जो अदी बिन हातिम की बहन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना को बर्दों में से आज़ाद फरमा दिया। ये उम्र अदी के इस्लाम का सबब था और यही इबन साद के नज़दीक ये है कि जिस शख्स ने सफाना को बर्दा किया था खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा है ना हजरत अली करमुल्ला वजह। फिर उकाशा बिन मोहसिन का सरिया भेजा गया। ये सरिया जबाब की तरफ गया जो हिजाज में एक मोजा है और बनी अजरा और बनी कली की सरजमीन है और कहा गया है कि बनी हजारा और बनी कल्ब की ज़मीन है और बनी गदरा की उस ज़मीन में शिरकत है। ये सरिया रबीउल आखिर हिजरत के 9 सन में गया। ये इबन साद का कौल है और इबन साद का यामनी वगैरह ने इत्तबा किया है। इन उलमा ने इस सरिये का सबब ज़ाहिर नहीं किया और जो लोग इस सरिये में गए थे उनकी तादाद भी बयान नहीं की है और ना उसका कुछ वाकया बयान किया है।